पानी गर्म करने के लिए गैस गीजर सस्ता पड़ेगा या इलेक्ट्रिक गीजर सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक गीजर होता है उसमें इस तरीके की इमर्सन रोड होती है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक गीजर के स्थान पर इस इमर्सन रोड का ही प्रयोग करेंगे। और नहाने के लिए जो पानी का टेम्परेचर होता है वह 40 डिग्री से 45 डिग्री के बीच ही रखा जाता है। टेम्परेचर मीटर हमारे पास है और देखेंगे कि 5 लीटर पानी को इमर्सन रोड के द्वारा कितनी देर में गर्म किया जाता है और कितने यूनिट बिजली का खर्च किया जाता है। और दोस्तों यह 1 लीटर की बोतल हमारे पास है, इससे हम पानी इस बाल्टी में लेते हैं। दोस्तों इस बाल्टी में हमने 5 लीटर पानी ले लिया है और हमारा जो इमर्सन रोड है लगभग डूब चुकी है, और यह हमारा जो टेम्परेचर मीटर है इसको भी हमने पानी में डुबो दिया है। और टेम्परेचर इस समय यदि पानी का आप देख रहे होंगे तो 15.8 डिग्री सेल्सियस इस समय पानी का टेम्परेचर है। और इमर्सन रोड को दोस्तों हम प्लग इन कर देते हैं, स्टॉप वॉच यहाँ पर हम चालू कर देते हैं। दोस्तों स्टॉप वॉच भी चालू हो चुका है और 1490 वाट आप मीटर में देख रहे हैं लोड चल रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 47.9 डिग्री टेम्परेचर पानी का हो चुका है, और अब दोस्तों 50 तक ही हम इसको चेक करेंगे। और दोस्तों 50 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और 7 मिनट 36 सेकंड का समय लगा है, 7.5 मिनट का समय आप इसको मान सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इलेक्ट्रिक गीजर ने इस 5 लीटर पानी को 50 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करने में 1490 वाट लेते हुए 7.5 मिनट का समय लिया है, और इस प्रकार यूनिट आएगा 0.186। और इस यूनिट को 7 रुपये यूनिट के हिसाब से यदि मानकर चलें, कुछ स्थानों पर यूनिट चार्ज ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ स्थानों पर यूनिट चार्ज कम भी हो सकता है, तो इस प्रकार इस पानी को गर्म करने में जो खर्चा आया है वह आया है 1.30 रुपये का। अब दोस्तों 5 लीटर पानी हम गैस गीजर से गर्म करेंगे और देखेंगे कि कितना गैस लगेगा। तो डिस्प्ले पर इस समय 0 है और मैं इस सिलेंडर को इस वेट मशीन पर रख देता हूं। हम देख रहे हैं कि जो सिलेंडर का इस समय वेट है वह 27.120 यानी 27 किलो 120 ग्राम है, और इसको हम नोट कर लेते हैं। और 5 लीटर पानी इस बर्तन में लेते हैं। और दोस्तों यह 5 लीटर पानी इस बर्तन में ले लिया गया है। दोस्तों टेम्परेचर मीटर को पानी में डाल दिया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 16 डिग्री पानी का इस समय टेम्परेचर है, और यहाँ पर मैं इसको चालू कर लेता हूँ। दोस्तों गैस फ्लेम चालू हो चुका है और स्टॉप वॉच भी चालू कर दिया है। दोस्तों जब तक इस वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री होता है तब तक आप अपना विचार कॉमेंट में जरूर रखें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
और दोस्तों जैसा कि 49.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है, स्टॉप वॉच भी तकरीबन 12 मिनट हो चुकी हैं, 49.7, 49.8, 50 और दोस्तों गैस को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं और स्टॉप वॉच को भी बंद कर देते हैं और तकरीबन 12.25 मिनट आप मान सकते हैं। और दोस्तों अब गैस सिलेंडर को तोल लेते हैं, देखेंगे कि कितना गैस यूज हुआ है। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं इस समय 0 है, डिस्प्ले में आप देख रहे हैं 27.090, 27.90 किलो इसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि गैस गीजर के द्वारा उसी टेम्परेचर का 5 लीटर पानी गर्म करने में 12.25 मिनट लगी और 0.030 किलो हमारा गैस खर्च हुआ। और 70 रुपये किलो के हिसाब से यदि गैस का रेट लगाया जाए तो तकरीबन 2.10 रुपये का हमारा गैस खर्च हुआ है। हमने यह प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किया है, आपने देखा होगा, क्योंकि हमें गैस पर जो पानी गर्म करना था वह हमें स्टील का बर्तन लिया है और जब हमने इमर्सन रोड का प्रयोग किया है तब भी हमने स्टील का ही बर्तन लिया था, क्योंकि दोनों ही दशाओं में जो हीट आउट होना था उसकी मात्रा समान रहे। मुझे लगता है दोस्तों कि गैस गीजर या इलेक्ट्रिक गीजर के संबंध में जो आपके डाउट थे वह दूर हो गए होंगे, लेकिन कुछ उपभोक्ता यह कहते सुने होंगे कि नहीं, गैस गीजर की अपेक्षा इलेक्ट्रिक गीजर का यूज करने पर बिजली का बिल ज़्यादा आता है। बेशक आता होगा दोस्तों, उसका हम आपको कारण बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक गीजर कोई भी 1500 वाट से कम नहीं होगा। और यदि आपके यहाँ 1 किलोवाट का कनेक्शन है, आपके यहाँ 1 किलोवाट का विद्युत मीटर लगा है, तो आप जब भी उससे इमर्सन रोड के द्वारा या इलेक्ट्रिक गीजर के द्वारा अपने पानी को गर्म करेंगे तो वह आपके विद्युत मीटर पर 1.5 किलोवाट तक का लोड डाल देगा और आपका मीटर 1 किलोवाट तक सेंसन है तो मीटर जंप रीडिंग देगा और जंप रीडिंग देने के कारण जो आपका बिल आएगा वह 2 किलोवाट या 4 किलोवाट कनेक्शन के हिसाब से आएगा और जो पेनल्टी लगेगी वह अलग, इसलिए आपका बिल बढ़ जाता है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं।